डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पूर्व के व्याख्यान में आपको अमरीकी न्यायपालिका के संगठन, उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम अमरीकी संविधान में न्याय पुनरावलोकन के अधिकार की चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारा क्षेत्राधिकार है, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी उसका एक महत्वपूर्ण अधिकार है। तो आज हम पृथक से न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन का क्या तात्पर्य है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, और न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। कि न्यायालय ये देखता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो कार्य करती है, जो कानून बनाती है, वो वैध है या नहीं, इसकी वो जांच करते हैं। कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायाधीशों द्वारा अपने समक्ष पेश विधायी कानूनों और प्रशासनिक कार्यों के निरीक्षण की वो शक्ति है जिसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि जो लिखित कानून बनाए गए हैं वो संविधान के द्वारा निषिद्ध तो नहीं है, और कहीं न्याय व्यवस्थापिका ने अपनी शक्तियों का बढ़कर तो उपयोग नहीं किया है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ये देखता है तो वो उसको इस आधार पर अवैध घोषित कर सकता है। कि हमने दो बातों की चर्चा की थी कि एक तो संविधान के अनुसार कानून बनाए जाए और दूसरा विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो न्याय पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि विधानमंडल के द्वारा पारित कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं है और उचित प्रक्रिया को तो नहीं अपनाया गया। यदि दोनों ही बातें हैं तो उस संविधान को न्यायालय के द्वारा अवैध, उस कानून को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अमेरिका में न्याय पुनरावलोकन का आधार क्या है। अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से न्याय पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि उसको स्पष्ट रूप से न्याय पुनरावलोकन की शक्ति दी गई हो। इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में, एक विवाद आया था उनके सामने मालवरी बनाम मेडिसन, उसमें जो निर्णय दिया गया उसमें उन्होंने इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा की। पहले हमेशा ये विवाद होता रहा कि ये शक्ति न्यायाधीशों की, न्यायालय की है या नहीं, लेकिन 1803 में इस मारबरी बनाम मेडिसन के जो विवाद था उसमें इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। ये विवाद एक ऐसा विवाद था कि इस तरह से उत्पन्न हुआ ये कि 1801 में राष्ट्रपति एडमसन ने मारबरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, लेकिन आदेश के जारी करने के बाद ही राष्ट्रपति एडम्स की जो कार्य अवधि है वो समाप्त हो गई और तब तक ये आदेश मारबरी के पास नहीं पहुंचा। और दूसरे राष्ट्रपति थे जेफरसन, उन्होंने तुरंत पदभार संभाला और मेडिसन को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर दिया। मेडिसन मारबरी को नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो राष्ट्रपति एडम्स के जो आदेश थे उनको मारबरी तक नहीं पहुँचाया। तो ऐसी स्थिति में मारबरी ने मेडिसन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग चलाया। उस समय मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मेडिसन के कार्य को अवैध ठहराया और अपने निर्णय में उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने सबसे पहला तर्क ये दिया कि न्याय विभाग का ये कर्तव्य है, वही बता सकता है कि कानून क्या है। मतलब न्यायालय का ये अधिकार है कि कानून सही है या नहीं, ये बताने का अधिकार उसका है। और यदि दो कानून एक दूसरे के विरुद्ध हैं तो न्यायालय ही निश्चित करेगा कि कौन सा कानून किस सीमा तक लागू किया जाए। और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है और किसी मामले में संवैधानिक कानून, उक्त कानून और संवैधानिक कानून दोनों ही लागू हैं, तो न्यायालय ये देखेगा कि संविधान के जो कानून है उसको किस आधार पर मान्यता प्रदान की जाए। तो ये जो निर्णय थे, इस निर्णय का परिणाम ये हुआ कि संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, संविधान की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाने लगी, न्यायालय तीसरा सदन बन गया। कुछ परिणाम इस निर्णय के ये परिणाम निकले कि एक तो संविधान सर्वोच्च, इस निर्णय से न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा अमेरिका में ये स्पष्ट हो गया कि संविधान ही सर्वोच्च कानून है
और संविधान की व्याख्या के प्रतिकूल बनाया गया कोई भी कानून को अवैध घोषित कर दे। संविधान की सुरक्षा, सर्वोच्च न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति के कारण संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व किस पर आ गया? सर्वोच्च न्यायालय पर आ गया संविधान की सुरक्षा करने का दायित्व। इसके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण न्यायालय तीसरा सदन बन गया। न्यायिक शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का, ऐसा कहते हैं विचारक, कि कांग्रेस का तीसरा सदन ये बन गया है। इसका एक और प्रभाव हुआ क्या, कि न्यायिक पुनरावलोकन के अपने अधिकार के द्वारा केवल पहले से जो विधियां हैं उनका स्पष्टीकरण नहीं करते, बल्कि नए कानूनों का भी निर्माण क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नियंत्रण संतुलन का जो सिद्धांत है, इस न्यायिक निरीक्षण का एक परिणाम ये हुआ कि इसके द्वारा नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत क्रियान्वित हुआ। यदि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का प्रचलन नहीं होता तो अमेरिका की शासन व्यवस्था में राज्य आपस में परस्पर विरोधी हितों के कारण अराजकता उत्पन्न करते, जो कि संविधान के लिए खतरा बन जाता। इससे संघात्मकता की रक्षा होती है कि इसमें संघ और राज्य दोनों की इकाइयों जो हैं उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। मतभेदों का निवारण होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के अन्य जो कार्यपालिका व्यवस्था के सभी झगड़ों को ठीक ठाक ढंग से निपटाया है इसी शक्ति के कारण। तो न्यायिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निरीक्षण की शक्ति द्वारा संविधान को परिवर्तित किया है और समय के अनुसार उसको नई दिशा भी प्रदान की है। संघ की अपेक्षा, राज्य की अपेक्षा संघ की शक्ति को सुदृढ़ करना, इस शक्ति के द्वारा एक संवैधानिक प्रभाव ये हुआ कि राज्य की तुलना में संघ की स्थिति क्या है, सुदृढ़ हुई और संघ सरकार ने जो महत्वपूर्ण विषय थे वो अपने हाथ में लेकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। रूढ़िवादिता को प्रश्रय, सर्वोच्च न्यायालय ने कई सामाजिक और आर्थिक विधियों को रद्द कर दिया। इसके द्वारा इस अधिकार के विरुद्ध कई बार विरोध भी हुआ। इसके बाद न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और धीरे धीरे उसने क्या है, उदार दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या है, कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है उसका सर्वोच्च न्यायालय अपने आप किसी कानून की वैधता की जांच नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब उसके पास कोई कानून आता है जिसमें संघ और राज्य के किसी कानून को चुनौती दी जाती है, तभी न्यायालय को अपना निर्णय दे सकता है इस संबंध में, स्वयं अपनी तरफ से वो इसमें पहल नहीं कर सकता। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून ही नहीं बल्कि राज्यों के संविधान, उनके द्वारा बनाए गए कानून, संधियाँ, संघ सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से की जो भी संधियाँ की जाती हैं, संघ और राज्यों की कार्यपालिकाओं द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, वो सब न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके इसी व्यापकता के कारण न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की आलोचना भी अनेक विद्वानों के द्वारा की जाती है और उनकी आलोचना के कुछ प्रमुख जो तर्क वो देते हैं, वो सबसे पहला तर्क ये देते हैं कि इसमें लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा होती है। कांग्रेस देश की प्रतिनिधि सभा है, कांग्रेस राष्ट्र और लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है और ये सर्वोच्च न्यायालय लोकमत और लोकतांत्रिक भावना की उपेक्षा करता है। एक दूसरा तर्क वो देते हैं शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल है, कि अमरीकी शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है जिसमें तीनों जो सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और कार्यपालिका से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, जिससे शक्ति पृथक्करण की भावना का अंत हो जाता है। एक और तर्क राजनीतिक निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में एकरूपता का अभाव रहा है। अनेक अवसरों पर न्यायालय ने विशुद्ध वैधता पर आधारित न करके राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे हैं उनके निर्णय, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अमेरिकी संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। केवल सर्वोच्च न्यायालय ने ही इसे मान्यता प्रदान की है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये प्रगतिशीलता में बाधक है। सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति का प्रयोग प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में
गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न की है। तो ये भी कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। इस शक्ति के द्वारा न्यायालय ने कांग्रेस के तीसरे सदन के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि लोकतंत्र में न्यायालय की ऐसी स्थिति किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही होनी चाहिए, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित करके उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर रहा है, जिससे लोक कल्याणकारी और देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी कितनी भी आलोचना की जाए, जो न्याय पुनरावलोकन का जो अधिकार है, इसका अपना महत्व है। कुछ जिस पर कुछ हम इसके तर्क रख सकते हैं इसके समर्थन में, कि इससे संविधान की पवित्रता की रक्षा होती है, कि न्याय पुनरावलोकन संविधान की पवित्रता की रक्षा का एक ऐसा अस्त्र है जिसने से लोकतंत्र और प्रशासन की मनमानी जो होती है, प्रशासन की मनमानी से लोकतंत्र की उसने हमेशा रक्षा की है। इससे संघ प्रणाली की रक्षा होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न होते हैं, वहाँ ये उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो। इसके पक्ष का एक कानून की वैधता पर विचार, कांग्रेस की अपेक्षा न्यायालय कानूनों की वैधता पर समुचित रूप से विचार कर सकते हैं। न्यायाधीश क्यों? क्योंकि न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, और फिर न्यायालय तटस्थ भाव से कानून की वैधता पर विचार करते हैं। इसलिए तटस्थ भाव से करने से वो क्या है, किसी विशेष पक्ष में निर्णय नहीं देते, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय होते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय राज्यों की प्रांतीयता है उसकी संकुचित प्रवृत्ति को रोकने का भी उसने काम किया है, और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को भी उसने प्रोत्साहित किया है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है उसने हमेशा, कि सर्वोच्च न्यायालय यदि संघ और राज्य दोनों ही सरकारें यदि नागरिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा इस अधिकार के माध्यम से करने में सक्षम है। राजनीतिक दलबंदी से ऊपर है अमेरिका। आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय में राजनीतिक दलबंदी नहीं होती है, न्यायाधीश निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, तो जबकि विधानमंडल और जो कार्यपालिका है वो राजनीतिक दलबंदी की शिकार होती है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठकर संविधान की रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय पुनरावलोकन के आधार, जो उसका अधिकार है, उसके आधार पर की है। इसलिए अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पुनरावलोकन के अधिकार का अधिकार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।